बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत ही अहम है। बैरियर ने न्यू कमर्शियल डील दी है। बेसिकली ये जो कमर्शियल है ये मिडवे है, और मिडवे के साथ अपोजिट साइड पे कुछ एरिया बैरियर ने पहले जू जो है वो बनाया हुआ था, तो यहाँ से बैरियर ने जू जो है वो खत्म कर दिया। अब उसके ऊपर बैरियर ने जो है वो प्लाट अलाट किए हैं। ये प्लाटों की डिटेल्स आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का जो ऑन ग्राउंड है वो आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये जो है ये सारा मिडवे कमर्शियल है, और ये कमर्शियल 24/7 जो है वो आबाद कमर्शियल है। उसकी वजूहत ये है कि ये जब फेज 7 से आप एंट्रेंस होते हैं तो ये इस रस्ते में आता है, और रस्ते की वजह से यहाँ पे हर किस्म का जो कारोबार है उसके जो चलने के चांसेस हैं वो 99.9% है। उसकी रीज़न ये है कि वो एक कमर्शियल 24/7 जो है वो आबाद है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कमर्शियल प्लाट अलाट हुए हैं, नए जो बैरियर ने अभी कटिंग की है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बैरियर ने सीवेज वगैरह जो है वो अभी इंस्टॉल कर दी है। ये प्लाट है 30/40 इनका साइज है, और इनके पीछे वाला एरिया आपको दिखाते चले तो ये पीछे आपको DHA 1 जो है नज़र आ रहा है। DHA का फेज 1 है ये, और इसके सामने पीछे बैक पे जो है वो सवां गुजर रही है। यहाँ पे भी आपको अगर कैमरामैन दिखाता चले तो ये आपको सराउंडिंग का व्यू हम दिखा रहे हैं, और इस तरफ से जो ट्रैफिक है वो GT रोड को जाके एग्जिट होती है, और इसी तरफ से GT रोड को जाके इन होती है। इसके बाद ये जो प्लाजे आपको नजर आ रहे हैं माशाल्लाह ये सारे आबाद प्लाजे हैं। तो टोटल जो है वो 15 प्लाट है जो अभी न्यू कटिंग में शामिल किए गए हैं, और इनकी जो टोटल पेमेंट है वो 7,75,00,000 है, जिसमें से 5.5 करोड़ रुपया डाउन पेमेंट है और 2.25 करोड़ रुपया आपने एट द पोजिशन टाइम बैरियर को पे करना है। मेरे ख्याल से कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है प्लाट के थ्रू के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी रहा कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं कि नहीं, लेकिन जो प्लाट है अगर ये अभी 7,75,00,000 रुपये का आपको मिल रहा है तो ये भी प्लाट इंशाल्लाह आपको 10-12 करोड़ रुपये में चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये टोटल वो कमर्शियल है जो कि 24/7 आबाद है, और रिंग रोड की वजह से ये जो एरिया होगा ये सबसे ज़्यादा महंगा होगा। इसकी महंगे होने की एक और खसूसियत आपको बताएं कि DHA फेज वन जो है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे साथ ये एरिया लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्लाट अब अवेलेबल ही नहीं है। जो प्लाट है वो ऑलरेडी जो मेन अच्छे प्लाट है वो तो कंस्ट्रक्शन हुए हुए हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही लिमिटेड से प्लाट है। तो अगर आप प्लाट बाय करना चाहते हैं, 15 प्लाट है टोटल जो हमारे पास मौजूद है, और स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बाकी मैप वगैरह हमने स्क्रीन पे लगा दिया, आप मैप से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। डायमेंशन इसको बताते चले इन प्लाटों की, तो 30/40 इनका साइज है, इसके अंदर बेसमेंट है और लोअर ग्राउंड है, प्लस ग्राउंड है और प्लस 3 फ्लोर है, टोटल 6 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं आप। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्डिंग बनाए, हम आपको ये कहेंगे कि आप ये प्लाट ले के रख लें, इंशाल्लाह रिंग रोड जब कामयाब हो जाएगा, रिंग रोड बन जाएगा, ये वो प्लाट आपका 13-14 करोड़ रुपए की वैल्यू रखेगा। ये मेरे अल्फाज आप आज याद रखें। आज मोरखा 21 नवंबर 2023 है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये प्लाट डबल कीमत को क्रॉस करेगा। तो होपफुली हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।